नमस्कार किसान भाइयों, मैं कपिल चौबे आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। मैं आया हूँ आज नदी नदी एरिया में। ये जैसे गुजरात का गोधरा ज़िला है, छोटा उदयपुर है। यहाँ पर क्या होता है कि नदी जब पानी खाली हो जाता है तो यहाँ पर नदी में भिंडी, करेला, लौकी, गिलकी, टमाटर ये सारी चीज़ लगाई जाती है। तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा किस तरीके से लगाई जाती है और कैसे उत्पादन लिया जाता है और क्या 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 लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि पहले गड्ढे खोदे जाते हैं, 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा, और उसमें जो गोबर खाद रहता है वो गोबर खाद डाला जाता है। और डालने के बाद इसमें बीज लगते हैं, तो ये 10 बीज की लाइन ऐसे लगती है और 10 बीज की लाइन ऐसे ऐसे डलती है। इसमें भिंडी लगाई जाती है। जब भिंडी थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, 5 इंची 10 इंची की बड़ी हो जाती है भिंडी, उसके बाद इसमें करेला लगाया जाता है। वो साइड में लगाया जाता है, 2 2 बीज। तो भिंडी जब चलती रहती है, भिंडी चलने के बाद जब बड़ी हो जाती है और उसका उत्पादन कम होने लगता है तो करेले उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बेल उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर करेले का उत्पादन लेना चालू कर देते हैं किसान। तो इस तरीके से इस खेती को हम अविराम खेती भी कहते हैं। ये आप देख सकते हो 1 फीट की दूरी पर रहती है और हर गड्ढा खुदा हुआ है और काफ़ी मेहनत लगती है इसको लगाने में। पहले गड्ढा खुदाई होती है, गड्ढा खुदाई के बाद उसमें खाद डालते हैं, फिर बीज लेके आते हैं, यहाँ पे बीज डालते हैं। यहाँ पे बीज की क्वांटिटी, सीड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। किसान तकरीबन 25 किलो 30 किलो तक भिंडी डालता है, 5 किलो 6 किलो करेला डालता है। और किस तरीके से हमारे किसान भाई डालते हैं, बीज डालते हैं, हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे। ये क्या बीज लगा रहे हो भैया उधर, कौन सा बीज लग रहा है? तुरिया। तुरिया और करेला। और तुरिया और करेला, ठीक है। इस पे तुरिया और करेला दोनों एक साथ लगाया जा रहा है। नदी बेल्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।